हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीमैट एग्जामिनेशन के जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं और कौन सी एरियाज़ है जहां पे हमें फोकस करना चाहिए। जनरल अवेयरनेस की दो कैटेगरीज होते हैं, एक होता है स्टैटिक जीके और दूसरा है करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, अवार्ड्स, इंडियन आर्ट, डांस एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर्स, इम्पॉर्टेंट डेट, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस आ सकते हैं। हिस्ट्री में मोस्टली आपको इंडियन हिस्ट्री आएगी और जितना हमने 10th तक पढ़ाई की है उतना। अगर इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे होंगे। लास्ट क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, उसका नाम है ऋग वेदा। और एक क्वेश्चन था स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं, उसका आंसर है न्यूमिस्मैटिक। सेकेंड अप इज साइंस। साइंस में जितने भी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं सो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है या उनके फाउंडर के बारे में पूछा जा सकता है। स्पेस रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिजिक्स रिलेटेड या केमिस्ट्री रिलेटेड। पिछले साल क्वेश्चन आया था व्हाट इज गेन्ड व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड अपवर्ड, सो आंसर है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स में आपको मेजरली इंडियन पॉलिटिक्स ही आएंगे और वो हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछ सकते हैं, उसके प्रेसिडेंट या उसके फाउंडर्स के बारे में पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था MDMK, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसका फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से भी पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, एग्जिम पॉलिसी इन इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय हुम, सो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इस टाइप में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी में हमें इंडियन मैप को बहुत अच्छे से रेफ़र करना है, कुछ भी अगर हाइलाइटेड पॉइंट हो तो उस पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हमें किसी भी सिटी या स्टेट के बारे में अगर कोई उसका पुराना आइडेंटिटी होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हमें पार्क स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया क्या है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें, या मिडिल ऑफ इंडिया से क्या पास होता है, ये सारी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमें, या फिर इंडिया की लार्जेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू एरिया एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ये पूछ सकते हैं। पिछली बार फेमस हिल स्टेशन कोडाईकनाल इज़ इन डैश, ये पूछा गया था, तो पलानी हिल्स में कोडाईकनाल हिल स्टेशन है। उसके बाद है अवार्ड्स। सो अवार्ड्स में गैलेंट्री अवार्ड्स, पद्मश्री अवार्ड्स, ज्ञानपीठ अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स, इन सब के बारे में हमें पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन था अवार्ड से, टू विच फील्ड ऑफ लिटरेचर इज़ द बुकर्स प्राइज अवार्डेड, सो इसका आंसर है फिक्शन। उसके बाद है इंडियन आर्ट, डांस एंड कल्चर, सो किसी भी आर्ट, डांस या कल्चर के बारे में पूछा जाएगा और वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है या उसकी पिक्युलैरिटी क्या है, हमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट टाइम कल्चर पे आया था कि चिकन एम्ब्रॉयड्री कौन से सिटी को बिलोंग करती है, उसका आंसर है लखनऊ। बुक्स एंड ऑथर्स, वैसे तो ये सेक्शन करंट अफेयर्स को बिलोंग करता है, फिर भी अगर कोई फेमस बुक या फिर कोई लेजेंडरी बुक हो उससे रिलेटेड या उसके कंटेंट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये टॉपिक पहले कर लेते हैं क्योंकि ये इजीली मिल जाता है इंटरनेट पे और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको एक्यूरेटली आंसर कर पाते हैं। इसके बाद है स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या किसी भी गेम के बारे में पूछा जा सकता है या गेम फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मैच पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर 1975 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर क्वेश्चन था कि उसमें कितने ओवर्स थे, सो उसका आंसर है 60। स्टैटिक का जो पोर्शन है वो काफ़ी वास्ट है और इसलिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है उसको कवर अप करना। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़,
साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एमिनेंट पर्सनालिटीज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑस्कर एंड फिल्म फेयर अवार्ड्स, नोबेल प्राइज़ 2020 एंड बिजनेस ठीक है। इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। करंट अफेयर्स हमारा मेजरली न्यूज़पेपर्स से कवर अप हो जाता है, एंड इफ़ नॉट न्यूज़पेपर यू कैन गो विद ई न्यूज़पेपर्स। एंड अभी ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो हमको टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, सो मेक श्योर इस साल में जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनका आप एक बार अपडेट ले लो। सो नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, इसमें नेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस तो लिए गए हैं, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी सिटीज़न की कोई अचीवमेंट हो उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आर्म्स एंड एमिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन। या इंटरनेशनली देखा जाए तो जो इस साल के हॉट टॉपिक्स थे, जैसे ब्लैक लाइफ मैटर्स या फिर अमेजोन वाइल्ड फायर्स, इन जैसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको दो कंट्रीज़ के रिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे इंडिया चाइना या इंडिया नेपाल। सो ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं इसमें। सो साइंस में वैक्सीन के बारे में पूछा जा सकता है, या कोरोना वायरस के बारे में पूछा जा सकता है, स्पेस के बारे में पूछा जा सकता है, जो हमारी स्पेस एजेंसीज हैं जैसे ISRO, NASA या दूसरे किसी कंट्रीज़ की जो स्पेस एजेंसीज हैं, उन्होंने अगर कोई अचीवमेंट की हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मे बी हमें जो अभी न्यू ऑर्गन फाउंड हुआ है ह्यूमन थ्रोट के पास, सो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अप इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हमें मेजरली इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में ही पूछा जाएगा, जैसे अलायंसेस के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर कोई रूलिंग पार्टी है उनके पॉलिसीज़ या डिसीजंस के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमें GDP के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर जो टॉप कंपनीज़ हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, या कंट्री की जो टॉप कंपनीज़ हैं उनके टर्नओवर के बारे में पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में इंडिया का कौन सा रैंक है? सो वी रैंक 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उसके बाद आता है एमिनेंट पर्सनालिटीज़। सो जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, अगर उन्होंने कुछ डोनेशन की हो कोविड में, या फिर अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे ड्रास्टिक चेंज आया हो, उनके बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सो 2020 में जितने भी अवार्ड फंक्शंस हुए हैं उसमें विनर ऑफ द टाइटल पूछा जा सकता है। पिछले साल इसमें से एक क्वेश्चन आया था, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया टाइटल 2019 का खिताब किसे मिला था। उसके बाद है बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। हर साल बजट निकलता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कोविड में भी गवर्नमेंट ने एक बजट निकाला था अप्रॉक्सीमेटली 20,97,000 करोड़ का, जो कि 4 ट्रेंचेस में डिवाइड हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात की जाए तो जैसे PM के बहुत सारे योजनाएं हैं, जल जीवन है, जल शक्ति है, या PM किसान योजना है, और अभी जो फार्मर्स बिल निकला है उसके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, इसमें आपको कोई भी अवार्ड विनिंग या फिर फेमस ऑथर के बुक के बारे में पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये बुक के ऑथर का नाम पूछा गया था। सो आंसर है शशि थरूर। थीम ऑफ द ईयर्स भी पूछा जा सकता है, इस साल का थीम है क्लाइमेट चेंज। ऑस्कर एंड फिल्मफेयर अवार्ड्स, 2020 में ऑस्कर्स हुए थे 10 February को, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम फिल्मफेयर OTT अवार्ड्स भी हुए थे, सो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। नोबेल प्राइज़ 2020, नोबेल प्राइज़ 2020 के विनर्स के बारे में पूछा जा सकता है। बिजनेस GK, सो इंडिया के जितने भी टॉप बिजनेसेस हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा, इनके कोई भी प्लान या प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का जैसे 5G प्लान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर अभी उनका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ज़ू बनाने के लिए, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर
जो बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है या उन्होंने क्या हेल्प की है COVID-19 में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये जनरल अवेयरनेस के दोनों कैटेगरीज़ का, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का डिटेल्ड वीडियो था। आई होप ये आपको अपनी प्रिपरेशंस में हेल्प करेगा। थैंक यू।